एक वक्त से या दोनों एक दूसरे का ढिड भरते सन सरदारी साहब से सुभाष शरीफ होरी अज जनाब आ गए एक प्लेट से बह के देने अज इमरान हाँ कला भैड़ा हो गया दो भी चंगे हो गए ने करते उन्होंने नहीं हले जिन्होंने इन्हें ढाई साल ले लेने उन्होंने कर्जा लेनी सी क्योंकि उन्होंने मुलक नूं दिवालिया थोड़ी करवाना सी मुलक दे कर्जे दे देने सन सर छोटी जो नीचे वाले जो लोग बेचारे लेते थे अब वो नहीं ले सकते। इमरान खान साहब का पांच साल जो मुकम्मल हो गए फिर पता चलेगा इमरान खान साहब की कारकर्दगी की है। इनकी जो समझो एडवर्टाइजमेंट है वो इतनी नहीं है जितनी वो लोगों ने अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दे रहे थे वो इनकी नहीं है इसीलिए लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। कारोबार में नुकसान, शादी में रुकावट, घरेलू नाचाकी, वीजा प्रॉब्लम और जॉब का ना मिलना। शहान साहब का कहना है कि उस्मान बुज़ार जेरे ने शहबाज शरीफ तो बेहतर वजीर आला ने की कहन तो नहीं ऐ ते गल नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस्मान साहब का तजर्बा नहीं है शहबाज शरीफ साहब का एक तजर्बा है उन्होंने टाइम गुजारिया है तो एक्सपीरियंस उदो ही बंदे होंगे जो बंदे ने टाइम गुजारिया है पहला फर्स्ट टाइम समान गुजारता लेकिन इन्होंने टाइम लगना तजर्बाकार होंगे टाइम लगा लेकिन खान साहब तो कहते हैं सानू सियासत करदे 24 साल हो गए सियासत सियासत करदे वाकई 24 साल हो गए लेकिन इकतदार आना तो सियासत करने फर्क आ जाता है जो बंदा इकतदार आंदा ना उदो हर चीज़ का पता चल रहा है कि मतलब दुध की है पानी की है। खान साहब का तो कहना है कि बुज़ार साहब हकीकी काम करते हैं तो सुभाष जी साहब जे ने अदाकारी बहाने यह तो गल नहीं कही जा सकती तो सुभाष जी साहब एक्टिंग करते तो है ने लेकिन है कि उस्मान बुज़दार को देखा जाए तो उन्होंने नस्बत उस्मान बुज़दार एक्टिंग नहीं करते सुभाष जी साहब जरा एक्टिंग करते हैं तो पता है माइक पकड़ के कहने मैंने ऐसे ना किया तो मैं ऐसे कर दूंगा उस हिसाब से जना भी कहते हैं कि बुज़दार साहब ने अहली हुकूमत के मौजूदा हुकूमत बहुत सारे काम सर अंजाम दिते ने लेकिन वह अपन हुकूमतों के कोई भी काम सर अंजाम नहीं सन देंगे हकीकी नहीं सन बनाते लेकिन यह मौजूदा हुकूमत सारा कुछ हो रहा है जी। देखो हुकूमत उसने भी काम किया जो सियालकोट टू लाहौर दी ना जी मोटरवे बनाई और भी जी मुल्तान वगैरह वाली फैसलाबाद इस्लामाबाद वाली बारियां ने मुस्लिम लीग नून ने काम तो किया तरीके नहीं किया लेकिन तुम्हें पता है जो हुकूमत आती पिछली हुकूमत को बुरा ही कहती हमेशा से तौर पर वो क्योंकि वो अपना सिर्फ नाम बनाने इमरान खान साहब का पांच साल जो मुकम्मल हो गए फिर पता चलेगा इमरान खान साहब की कारकर्दगी की है इन्होंने जी कारकर्दगी की है पुल वगैरह बनाए रही है जरा साढ़े सियालकोट की बनाई साढ़े वास्ते मतलब बाइस फखर है और बड़ा अच्छा उन्हें काम किया है। क्या मौजूदा वजीर आला बेहतर है मुल्क वास्ते या पहले सुभाष शरीफ साहब देखो इन्होंने जरा टाइम तो लगना आस्ता आस्ता इन्हों मतलब टाइम तो लगने ही है इन्होंने कर दिया लेकिन है जरा सुभाष शरीफ साहब होर तजर्बा है उन्होंने पता है की करना की नहीं करना क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद किया उन्हें कहा जी सू 2.5 साल हो गए सू अज तक समझ ही नहीं आ रही की हिसाब कोई मैं कहना जो बंदा इकतदार चाहता ना उदो फिर संभालना और चीज़ हो जाती है। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है सर कुछ कहना चाहोगे वो पुराने खिलाड़ी ने वो बेहतरीन है किस तरह सुभाष शरीफ 3 दफा वजीर आला बनया है ए फर्स्ट टाइम वजीर आला बनया ए तजर्बे जी तो तजर्बे जमीन आसमान का फर्क कहते हैं उन्होंने मुल्क नूं लुट के खाश रहा ए कह दिया गल तिकर साबित कोई कर नहीं सकिया देता कर दिया लुटिया होगा मानिया लेकिन उन्होंने कुछ किया भी है जो कुछ बनाया पुल वगैरह सड़क वगैरह मोटरवे कि बनाई उन्हें बनाई है इन्होंने की बनाया अदे तक अदे तक एक बिजली का किनार पॉइंट नहीं चला सके सारे जो बिजली का है सारा उन्होंने चलाया हुआ है इन्होंने आया तो 2.5 साल हो गए उन्होंने जो उन्होंने हुकूमत सी पीपल पार्टी की बिजली लोग तरसते हैं बिजली उन्हें आके सारा रिकवरी की है मुल्क को बेहतर तरीके चलाया है लेकिन खान साहब के कहते हैं सारी मैशियत ही उन्होंने दबाह की मैशियत ये कह दी गल जो जे उन्हें की है तो वो जवाबदेह होने जो खान साहब की हुकूमत खत्म होनी है खान साहब ही जवाबदेह होने के इन्होंने की किया है खान साहब तो कहते हैं मेरी हुकूमत के मुल्क के हालात बहुत बेहतर होए ने मुल्क मैशियत की राह चलता पाया सर हालात अदारे जड़े ने बेहतर होए ने लेकिन ये कि हालात थोड़े सामने ही ने हालात नहीं सही हुए लेकिन अदारे काफ़ी बेहतर हो गए अदारे बेहतर हो गए जी कोई शक नहीं है लेकिन जरा मुल्क में यह मुश्किल का सामना करना पै रहा कहते हैं कि उन्होंने कर्जे लै के इन्ने कर्जे खा लेने कि जो हूँ आवाम में मुश्किल का सामना उन्होंने करते उन्होंने नहीं हले जिन्होंने इन्हें 2.5 साल ले लेने उन्होंने कर्जा लेनी सी क्योंकि उन्होंने मुल्क दिवालिया थोड़ी करवाना सी
मुल्क के कर्जे तो देने सन सर, मुल्क न कर्जे अगर ना दिता है कर्जे ना चुकता फिर तो मुल्क साढ़ा दिवालिया हो जाना सी, फिर साढ़ा मुल्क दिवालिया होया कि बचाना से मैंने तो कर्जे चुकने पे ने हूँ 20 करोड़ जो अरब ओरियन ट्रेन का उन्होंने जो लिया 21 अरब का वो थोड़ा सर कर्जा नहीं वो कर्जा चुकन लेकिन जी तुम्हें किस्त देनी होनी जो देनी कर्जा तो तुम लै लिया है लेकिन वो किस्त जी देनी वो किस तरह सानू हूँ एक घर च है ही कुछ नहीं वो किस तरह असं कट के किस्त देवे पर असं किधर कर्जा चुकी असी मुल्क न चलाना ना इंग्लैंड फ्लाइट बनाए थे मेरा मतलब एडिया लम्बी जगीरदार बनाई ने बड़ी उन्होंने बड़ा कुछ बनाया था दस दिन साढ़े को पैसे इतू आया असी यह काम किया बिजनेस ने यह कारोबार ने तुहानू भी पता सानू भी पता माशाल्लाह जेहड़े नवाशी साहब के दो बेटे ने जदू के बाहर गए ने एक दफा भी पाकिस्तान आ गए जो पाकिस्तान लैने मुल ने एक दफा इतने आते सही ना कम अज कम मुल्क के हालात देखन यार गरीब आवाम ने की बनती भी है की नहीं बनती भी है। सैयद बिलाल शाह, इंसान जब मुश्किलात में घिर जाए और फैसला ना कर सके तो इसे चाहिए अल्लाह से रुजू करे। एक वक्त सी या दोनों एक दूसरे का ढिड भर दे सन जरदारी साहब ते शबाश शरीफ होरी आज जनाब आ गए कोई प्लेट ते बैठ के देने है आज इमरान हक कला पैड़ा हो गया दो भी चंगे हो गए कल तुसी दे दे सो शबाश शरीफ उनू ढिड भरदा सी ओनू कहंदा सी मैं तैनू जेलां च घसीटां ओनू कहंदे सी मैं तैनू घसीटां अज दो भी सही हो गए ते चोर इमरान हा हो गया नहीं चोर ही ते नहीं कहंदे है ते लेकिन आने वाला वक्त दसेगा और नहीं लेकिन मैं तुम्हें गल दसा इमरान हाँ की बेस्ट साढ़े गौरमेंट वास्ते बहुत अच्छा ईमानदार आदमी और जो इकतदार आया उन्हें सारे अपने सासे जाहिर किए ने उन्हें हर चीज़ अपनी दसी है कि मेरे को ए है वे है मेरा एक रुपये का वो उत्ते करप्शन नहीं साबित कर सके इमरान हाँ के उपर जो इकतदार आया सारे सासे वगैरह उन्हें अपनी हर चीज़ उन्हें दी है वो ईमानदार ईमानदार आदमी की वैल्यू नहीं है जरा ईमानदार साढ़े पाकिस्तान आदमी ने उन्होंने हमेशा लोग बिस्त बदनाम ही करते लेकिन है कि अगर बंदा इंशाल्लाह इमरान को टाइम मिलेगा वो हालात कुछ ना कुछ बेहतर करेगा इंशाल्लाह। खान साहब का कहना है कि उस्मान बुज़दार जो है वो शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ीर-ए-आला है क्या कहते हैं आप? नहीं अच्छे हैं मगर महंगाई बहुत ज़्यादा महंगाई है लेकिन उनका तो ये भी कहना है कि उस्मान बुज़दार ने शहबाज शरीफ से बेहतर जो है ना वो खिदमत अंजाम दी है। आपको तो पता ही है जितना लॉकडाउन हो रहा है ना दुकान है ना कोई कारोबार हो रहा है अभी 6 बजे सारे पूरा बाजार बंद हो जाना है लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये वाली ये तो कोरोना की वजह से दुकानें बंद करवा रहे हैं ना इसमें आवाम का ही फायदा है महंगाई भी बहुत ज़्यादा होगी सर महंगाई बहुत ज़्यादा होगी ये आवाम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है महंगाई की जो शरीफ के दौर में नहीं इतनी महंगाई नहीं थी आप ये देखते हैं कि रूह से जो बोतल है ना 170 की अभी वो 280 रुपये मिल रही है छोटी जो नीचे वाले जो लोग हैं बेचारे लेते थे अब वो नहीं ले सकते। ठीक है यही चीज़ें हैं इसमें कोई पैगाम देना चाहें इमरान पैगाम तो यही है बस अल्लाह ताला बेहतर कि कोरोना आया जो चला जाए बड़ी दुनिया मर रही है तो टीके बहुत ज़्यादा महंगे हैं इमरान खान को चाहिए कि जो टीके लग रहे हैं जी वो लगवाएं। खान साहब कहते हैं कि उस्मान बुज़दार जो है वो शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ीर-ए-आला हैं क्या कहते हैं इसको? सियासी बातें हैं देखो ये हमें तो ऐसी कोई समझ नहीं है बहरहाल ये जो गवर्नमेंट चल रही है ये ठीक ही चल रही है महंगाई है महंगाई से लोग परेशान हैं और इस गवर्नमेंट के आगे सबसे ये जो अपोजिशन है ये महंगाई है ये लोग कुछ भी नहीं है ये जो दूसरे भी हैं मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं देख रहा हूँ कि काम जो है ठीक हो रहे हैं और कोई उसमें दो नंबरी नहीं हो रहे जी। आप क्या कहते हैं इस पे? ये आस्था से अल्लाह करेगा ठीक हो जाएगा जी। अब अभी तो लोग परेशान ही हैं महंगाई है जी। क्या मौजूदा हुकूमत में जो हालात चल रहे हैं क्या ये बुज़दार साहब सही हैंडल कर रहे हैं या पहली हुकूमतों में जो हालात होते थे वो हैंडल किए जाते थे? नहीं ये ठीक ही हो रहा है काम जो है ना बड़े अच्छे हो रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन इनकी जो समझो एडवर्टाइजमेंट है वो इतनी नहीं है जितनी वो लोगों ने अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दे रहे थे वो इनकी नहीं है इसीलिए लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है लेकिन पैसा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बच रहा है और ये जो दूसरी तरफ जो कोरोना वायरस है क्या ये बुज़दार साहब सही से हैंडल कर रहे हैं या अगर कोई और होता इस जगह तो वो सही हैंडल करते? भाई ये कुदरती चीज़ है कुदरत ने इसको डाला इसमें आदमी कोई दखल नहीं है ये जैसे आई है अल्लाह ने इसको लेके जाना है कोई बंदे का काम नहीं है किसी का। तो कोई पैगाम देना चाहें खान साहब को?
खान साहब बस ध्यान दें, खान साहब महंगाई की तरफ ध्यान दें तो इनके लिए सबसे बेहतर है जी। और अच्छा है, अगर महंगाई की ध्यान नहीं देंगे तो फिर मुश्किल है। वो महंगाई का सारा कहते हैं कि जो अपोजिशन थी उन्होंने कर्जे लिए थे, उस वजह से मुल्क को ये हालात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद मुल्क के हालात बेहतर होते जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सैयद बिलाल शाह, इंसान जब मुश्किलात में घिर जाए और फैसला ना कर सके तो इसे चाहिए अल्लाह से रुजू करे। कारोबार में नुकसान, शादी में रुकावट, घरेलू नाचाकी, वीज़ा प्रॉब्लम और जॉब का ना मिलना, ऐसे तमाम मसाइल के लिए रूहानी रहनुमाई हासिल करें बजरिया इस्तखारा सैयद बिलाल शाह।